सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज की वीडियो हम बनाएंगे हिमालयन के ऊपर। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखे तो भाई जाओ और जाके देख कर आओ। मैंने हिमालयन ली थी और ये रहा अपना बीस्ट, और अभी तक हमने इसका नाम नहीं रखा है। नाम मैंने सोचा नहीं, इंस्टाग्राम पे मेरे को बिल्कुल बताना कि इसका नाम क्या रखा जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं इसकी मॉडिफिकेशन की, कि मैंने इसमें क्या क्या काम करवाया। लेने के बाद मैं इसमें हालांकि 30 से 25 हज़ार रुपये फूक चुका हूँ, और क्या क्या मैंने कंपनी से लिया है, क्या क्या मैंने बाहर से करवाया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पाइनियर्स की। ये मैंने पाइनियर्स लिए थे 32 हज़ार के कंपनी से, और ये रॉयल एनफील्ड के 100% वाटरप्रूफ पाइनियर्स हैं, और ये है 26 लीटर के, 26 लीटर इस तरफ, 26 लीटर उस तरफ। हालांकि मैंने टॉप बॉक्स नहीं लिया क्योंकि मेरे पास टेल बैग पड़ा है, इसलिए मैंने टॉप बॉक्स नहीं लिया था। सो ये मैंने इसलिए लिया है कि मेरा जो सामान है लगेज होगा ईज़िली वाटरप्रूफ रहे और थोड़ा सा सेफ़ रहे, क्योंकि इसमें लॉक का सिस्टम भी। और दूसरी बात करते हैं नेकल गार्ड की, मैंने हैंडल पे लगाए हैं नेकल गार्ड, क्योंकि हमारे हाथ होते हैं कहीं ना कहीं जाके टकरा जाते हैं, तो ये सेफ़ रहेंगे, इसलिए मैंने इसमें नेकल गार्ड भी लगवाया है। और इसकी कॉस्टिंग पड़ी है मुझे 2200 रुपये, वो मैंने करोड़बाग से लगवाए हैं। हालाँकि आपको इससे और कहीं रेट में कम भी मिल जाएंगे। ये मेटल और प्लास्टिक मिक्स है। और हम दूसरा सेक्शन बात करते हैं अब लाइट की। तो मैंने इसमें एक लगाया हेडलाइट में बल्ब लगाया, और साथ साथ में लगाया मैंने यहाँ पर HJG की लाइट्स और यहाँ पर HJG की लाइट्स। ये दोनों ही मिनी ड्राइव्स हैं। ये आपको पूरी फिटिंग के साथ 1800 से 1700 तक की आराम से मिल जाएगी। और अगर हम इस बाइक की ऑन रोड की प्राइस की बात करें तो ये मेरे को पड़ी है 2,65,000 की। पाइनियर्स अलग से मैंने 35,000 के लिए, तो ये लमसम मान के चलो मेरे को 3 लाख के आसपास की बाइक पड़ गई है पूरी। तो और मैंने इस बाइक में लगवाया है अपना ये GPS माउंट, ताकि यहाँ पर मैं अपना फ़ोन होल्डर लगा के एक फुल सा अच्छा सा एक मतलब राइडर वाला फील ले सकूँ। यहाँ पे मेरा फ़ोन लगा होगा और मैं इधर बैठा हूँगा और सामने से मस्त वाला फील आएगा। ये GPS माउंट लगवाया है मैंने 900 रुपये का, और ये मैंने सिमटेक का चार्जर लगाया है 1500 रुपये का। और इसमें आपको मिलता है एयर कूलेंट, तो मैंने एयर कूलेंट को ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया है। इसके ऊपर मैंने जाली लगा दिया, क्योंकि कभी हम ट्रैवल करते हैं, कभी छोटा पत्थर आके भी अगर यहाँ लग जाए तो इसका एयर कूलेंट के जो ये होते हैं ये चीज़ ये हल्का सा कुछ लगने पर भी टूट जाते, तो ये मैंने जाली लगवाई है करोड़बाग से। ये मैंने लगवाई है 1100 रुपये की। और मैंने इसमें आफ्टर मार्केट काम करा है, मैंने इसमें लगवाया है क्रैश गार्ड। क्रैश गार्ड सबसे मेन रोल होता है क्रैश गार्ड का, जैसे देखिए यहाँ पे क्रैश गार्ड भी, ये भी एक तरह से क्रैश गार्ड है, हालांकि इस पर एम्पाउचर बनते हैं। और एक ये है मेन क्रैश गार्ड, ये अगर आपकी बाइक गिरती है तो आपका बाइक का लोड सारा इस पर आएगा, आपकी टंकी एकदम सेफ रहेगी। और जो मैंने इसमें लगाया है ये आपका होता है पीछे डिस्क ब्रेक का होता है, वो होता है ब्रेक ऑयल। ये ब्रेक ऑयल की कैप लगाई है। और मैंने एक चीज़ और लगवाई है, इसका नाम मुझे नहीं पता उन्होंने क्या था, उन्होंने बोलते ये लगवा लो ये ज़रूरी है। और सेम ये चीज़ मेरे को इसकी कॉस्टिंग पड़ी है 120 रुपये। और तो और अगर इस बाइक को आप लंबा लेना चाहते हैं, कहीं बहुत दूर लेके जाना चाहते हैं, तो भाई ये बाइक ईजिली बनी इस चीज़ के लिए, जैसे कि आप R15 कहीं ले जा सकते दूर, R15 के साथ साथ FZ हो गई, ये बाइकें हैं। मतलब मैं यामा को वो नहीं बोल रहा, बहुत सारी ऐसी बाइक है जो आप कंफर्टेबल बैठ के नहीं ले जा सकते, लेकिन वो बाइकें जा सकती है बट कंफर्टेबल नहीं जा सकते। इसकी अगर सीट की बात करें तो मैंने इस पर कुछ नहीं करवाया, ये कंपनी से ऐसी आई है, पीछे एक तरह से पूरा सोफे की तरह है। इस पर आप कंफर्टेबल बैठ के लंबी राइड एकदम प्यार से कर सकते हैं। और वैसे मैं सोच रहा था कि इसमें ट्यूबलेस टायर करवाऊँ, मैंने मार्केट में बहुत कोशिश करी, बट ये देखो इसके ट्यूबलेस टायर नहीं हो सकते, मार्केट वाले ने मना कर दिया। अगर मैं इसमें ट्यूबलेस ग्लू भी डलवाता हूँ तो इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा। एवरेज की बात करें, अगर आप सिटी में चलाते हैं तो ये बाइक की एवरेज आपको मिलेगी 20 से 25, अगर आप इसको हाईवे पे चलाते हैं तो आपको 35 से 30 की एवरेज ईजिली मिल जाएगी। और ये थोड़ा सा हीट ज़्यादा होती है सिटी में, लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड पे लेके जाते हैं तो वहाँ पे आपको हीटिंग का इशू नहीं मिलेगा इसमें। अगर आप ये बाइक लेते हैं तो इसके लिए आपको एडवांस बुकिंग कई जगह पे करनी पड़ेगी, कई जगह पे नहीं करनी पड़ेगी। कुछ एक ऐसे बेसिक कलर है जिनके लिए आपको एडवांस बुकिंग करनी पड़ेगी, हालांकि ये मेरे को हैंड टू हैंड मिल गई थी, मेरे को इसके लिए कोई एडवांस बुकिंग नहीं करनी पड़ी थी। सो आपको आफ्टर मार्केट इसमें लाइट ज़रूर लगवानी पड़ेगी, या तो आप इस हेडलाइट को चेंज करा सकते हैं अगर आपको लाइट ज़्यादा चाहिए, नहीं तो क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है, आपका ये हैंडल तो मूव होता है लेकिन आपकी हेडलाइट मूव नहीं होती है, तो उसके लिए आपको नीचे लाइट लगानी पड़ेगी, ताकि जिस तरफ आपका हैंडल है उस तरफ आपके लिए लाइट जाए। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज थी जो आप अगर चाहते हैं तो RE से भी लगवा सकते हैं, और जो सर्विस सेंटर है वहाँ से भी लगा, शोरूम से भी लगवा सकते हैं। अगर आप बाहर से काम करवाना चाहें तो बिल्कुल, आप दिल्ली में करोलबाग है, आपके आसपास कहीं पर भी हो तो ये चीज़ें आप वहाँ से लगा सकते हैं। और अगर आपको इसके कुछ जो मैंने एक्सेसरीज लगवाई है इनकी कुछ डिटेल्स चाहिए, तो भाई आप मेरे को इंस्टाग्राम पर बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको इनकी डिटेल्स बता दूंगा। तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।